nice place, lit up, and good vibes already. Yeah, it looks really nice. I'm really excited. So, आप लोग पार्टी करना कितना पसंद करते हैं? Nightlife कितना enjoy करते हैं मुंबई का? She's a big no. ये बिल्कुल नहीं करती, ये पार्टी से मुझे लेके निकल जाती है. बट ऑन दी अदर हैंड आई एम अ पार्टी एनिमल, बट आजकल थोड़ा कम हो गया, काम ज़्यादा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा स्प्लिट्स मिला भी शुरू हो गया. आई एम अ बिग फूडी, बट ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं काफ़ी शूट कर रहा होता, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा होता, तो आई हैव अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस दैट आई डू विद पीपल हु आर एसोसिएटेड विद थैंकफुल. And I think that's one of the most important reasons why I'm always associated. ये सारे events तुम देखते हो या तो वहाँ होते हैं और या यहाँ पर होते हैं. So nightlife कितना enjoy करते हैं? मेरा nightlife edit room में enjoy होती है जब मैं shows edit कर रहा होता हूँ या फिर लिख रहा होता हूँ. मेरा partying का इतना नहीं रहता है मकसद, पर जब भी किसी friend का event होता है या फिर कुछ party होती है birthday की या कोई celebration की, so I'm always there for that. Just next to all the neighborhoods here. So I'm pretty excited and I'm looking for a very 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 awesome night and I would suggest everybody to come here and party here. It's a lovely place. आप कितना nightlife को enjoy करते हो? Actually I'm a party freak. मुझे I love partying. I love going out. I love having good cocktails and good food and good place to chill with my friends. So this is definitely a place to come with all of your friends and family and to have a blast of a time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ambience कैसा है? तो अभी मैं जाऊंगी तो एक्सपीरियंस करूंगी. सो आर यू अ पार्टी पर्सन? आई मीन डू यू एंजॉय पार्टी? नॉट दैट मच, बट हाँ कभी कभी, बहुत मतलब रेयरली जाती हूँ मैं. सो मैं आज आई हूँ. एंड द न्यू ईयर हैज जस्ट स्टार्टेड. या यू बिलीव इन मेकिंग रेजोल्यूशंस? आई डू. कुछ खास सर? की पार्टीज में नहीं जाऊँगी, ये मेरा रेजोल्यूशन है. बट टूट गया अब तो? टूट गया, अब आ गई ना मैं यहाँ पे इसीलिए. नथिंग, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई शो रिसेंटली, सो अभी लेट्स सी क्या होगा नया प्रोजेक्ट. नाइट लाइफ में मैं हमेशा बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, हर क्लब के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है बॉम्बे में. और आई थिंक इस स्पॉट ऑफ एरिया में आई थिंक अगर कोई क्लब चल रहा था बहुत पहले से, इनफैक्ट नाउ ट्रैंक्विल एक नया नाम है एंड आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी बिजनेस होगा, काफ़ी लोग आएंगे एंड चालू इन्हें इतना ग्रैंड किया था, आई एम श्योर कि सारे आर्टिस्ट एंड सारी पब्लिक यहीं आने वाली है. And I'm sure it's a center of the place, I think. So, मुझे लगता है काफी लोग आने वाले हैं यहाँ पे. It's gonna be good. आपकी कोई performance देखने मिलेगी हमें यहाँ पे? I think very soon, क्योंकि बात हुई है अभी, plan चल रहा है. That is why I'm here actually. So definitely कुछ दिनों में आपको performance देखने मिलेगी. So loves partying a lot and I love dancing. So she loves dancing, yeah. And so do I. I do like watching her dance. So I think हम लोग tranquil में बहुत enjoy करेंगे. हाँ, आई थिंक हमारे फ्रेंड्स ने हमें यहाँ बुलाया एंड हमेशा ही इट्स एक्साइटिंग कोई आप नई प्लेस देखते हो. आई होप इट ग्रोज एंड आई होप हमारी बहुत सारे बर्थडेज, बहुत सारी पार्टी. लॉन्च होने वाला है, कितने एक्साइटेड है आज की नाइट के लिए थोड़ा सा बताइए और कितना एंजॉय करने वाले हैं, कुछ प्लान किया? वेल ऑफकोर्स ट्रैंकल की आज नाइट है तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड मैं तो बहुत एंजॉय करना जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर लेखा भी बहुत एंजॉय करना चाहेंगी. एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस एंड यू नो द थिंग इज इट्स वेरी लाइक नेक्स्ट डोर. आई वी बोथ लाइक स्टे वेरी नियर बाय, सो इट्स क्वाइट नेक्स्ट डोर एंड वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू नो द ओनर्स ऑफ ट्रैंक्विल एंड दिस ब्लैक ऑलिव फॉर ओपनिंग अप सच अ नाइस प्लेस, अमेजिंग जॉय. वेरी नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट टू आवर प्लेस. So, आप लोग कितना एंजॉय करते हैं नाइट लाइफ, थोड़ा सा बताइए. ओह, वी लव टू पार्टी आउट. वी आर सो अवेक ड्यूरिंग नाइट आवर्स. सो हमारे लिए तो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है इस समय, बिकॉज जैसा इन्होंने बताया कि इट इज सो क्लोज टू आवर प्लेस, सो वी विल बी हॉपिंग दिस प्लेस एवरी नाउ एंड देन. या आई गेस मी एंड रोमित, वी बोथ आर यू नो नाइट people if I may say so. And it's very nice. Yeah, you know, you can like chill, you can come with your family, you can come with your friends, you can come with your siblings, you know, you can plan a family dinner here. So it's quite amazing. Club khula hai tranquil, wo bhi andheri jaise shehar mein, matlab andheri jaise area mein, mumbai ke shehar ke andheri jaise area mein jahan pe kafi sare clubs hain, lekin kuch clubs ki baat alag hoti hai, aura alag hota hai, class alag hoti hai. To tranquil mein hai to yahi khaas baat hai abhi to. कितना पार्टी करना पसंद करते हैं, कितने पार्टी फ्रीक? पार्टी फ्रीक तो मैं बहुत कम हूँ, वैसे मैं अपने में ही रहता हूँ, लेकिन कभी कभी दोस्तों का जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं या फिर हमारे जो मूवीज़ की पैकअप पार्टीज़ होती हैं उसमें मैं जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि दोस्त लोग मिलते हैं, वैसे मैं अकेले पार्टीज़ नहीं करता हूँ. न्यू ईयर शुरू हो चुका हो रहा है पूरा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द एंटायर लॉन्च.
सर, इसके अलावा आपने रिसेंटली एक शो किया था अमिताभ बच्चन ने, जिनको रीट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या फीलिंग थी? और ही इज माई ऑल माइटी और जब ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट रॉकिंग क्लब्स हियर, दैट्स व्हाट द विशेस आर. Thank you, everybody have a great time. Yeah, thank you. Thank you so much. Aaj amcha tranquil cha je media launching ahe, aaj sarva celebrity yet ahet, khup changla vatatay आणि तुमच्या सर्वांचं चांगलं सहकार्य राहिलं तर ह्या ट्रँक्विलचं या मुंबईमध्ये चांगलं एक मोठं नाव होईल, हां, असे माझ्या मनामध्ये चांगली एक अपेक्षा आहे. सर, पार्टी वगैरे होणार आहे वरती, काय काय सेलिब्रेशन आहे वरती? तर पार्टी होणारच, हां, पार्टी तर सर्वांसाठीच आहे. आणि जर सक्सेसफुल झाला तर काही प्लॅन आहे दुसरी ब्रांचेससाठी? जर सक्सेस झालं 100% होणार एवढं तर मला गॅरंटी वाटते, आणि मुंबईमध्ये दुसरी ब्रँच एक लवकरात लवकर खोलली जाईल. कितने सेलिब्रिटी आज एक्सपेक्टेड है आपका? आज 150-200 तक है. थैंक यू सर. यूएसपी वगैरह का सेल का है अजून तर. पहले तो बहुत बहुत बधाई, ऊपर से ऑरेंज मीडिया भी इसके साथ में है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. बिल्कुल नहीं लगा था यार, वो तो इट्स जस्ट दैट कि छोटे छोटे कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट पता नहीं कहाँ से वायरल हो जाते हैं. आज ही दीपिका पादुकोणे की जो बर्थडे थी उसको लेके हमने काफ़ी ट्वीकिंग कंटेंट बनाया, हर पिक्चर पे यू नो मिलियन मिलियन रीच गई है. तो इट्स ऑल अबाउट कि सही टाइम पे सही कंटेंट दो, लोग आपको प्यार करेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. एक सवाल इससे रिलेटेड, इंस्टाग्राम में नंबर वन बनना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोगों का प्यार मिलता है, 10 million इज अ बिग नंबर, इट्स रियली अ बिग नंबर, एंड वी आर द मोस्ट फॉलोड इंडियन ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ विद 10 million. तो बहुत अच्छा लगता है, प्यार है, रितेश भाई का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, तो अच्छा लग रहा है. ट्रांकिल, अरे बहुत एक्साइटेड हूँ यार, काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ. हमारे सभी भाई लोग, तौहीद भाई, हमारे भाई, सब लोग लगे हुए हैं प्रमोशन पे, पिक्चर्स वीडियोज़ देखे मैंने, काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए सर्विसेज. तो लेट्स सी.